हेलो। अनाया सो तो नहीं रही थी? नहीं, बस सोने वाली थी, पर इस वक्त तुमने कॉल की। खैरियत? जाहिर यहाँ सब ठीक तो है, मगर क्या? मगर क्या? तुम्हारी हाय लग गई है उसे। किस किस्म की बातें कह रही हो? किसको मेरी हाय लगी? मेरी जिंदगी में तुम जानती हो किसी का बुरा नहीं चाहा। मगर उसने तो चाहा था ना, सजा मिली है उसे अपने किए की। क्या हुआ है मुनीसी को? आज ही कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई है। फरियाद कोई गलतफहमी हुई होगी, ठीक होगी मुनीजे, तुम पता करो। नहीं अनाया, मुनीब ने अपनी आंखों से देखा है। आखिर कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए इंसाफ आ ही गया अनाया। बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है ना। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, जो होता है अल्लाह की तरफ से बेहतर होता है अनाया। और अल्लाह ताला ने शायद उसकी सजा ऐसी ही तय कर रखी थी, वरना उसने आपे के साथ क्या क्या नहीं किया। और मैंने ना अपने दुश्मन की मौत पर किसी को इतना अफसोस मनाते हुए नहीं देखा जितना आप मना रही हैं आपी। सुनो बेटा, नहीं करते इस तरह की बातें। मरने वाले को तकलीफ होती है, और वो अजियत जो उन्होंने आपी को दी है उसका क्या? अच्छा बोला ना, चुप हो जा। अभी मुझे चुप कराने के बजाय आप ही की परेशानी दूर करें। इनके चेहरे से ना साफ दिख रहा है कि उसकी मौत का सबसे ज्यादा सदमा इन्हें हो रहा है। बस कर जा जुमी, बस भी कर जाया करो। कोई मौका होता है, कोई वक्त होता है बात करने का, जो दिल में आता है बोली चली जाती हो। हाँ है मुझे तो, बेटी थी वो किसी, बहन थी वो किसी, और बीवी थी वो आपके शौहर की। जब शोहर घर में सौतन लाता है ना, तो बीवियां सबसे पहले सौतनों का खून चूसने का सोचती है, लेकिन आप सोग मना रही हैं उसकी मौत का। सोग नहीं मना रही मैं, सिर्फ उस एक दिन का इंतजार कर रही थी कि मुनीजे ने जो कुछ भी किया उसे उस चीज का एहसास हो कि उसने कितनी अजियत दी। उस एक दिन के इंतजार में मैं सब कुछ चुपचाप सहती भी रही। माँ, मैंने मुनीजे के लिए खुदा से कोई इंतकाम या बदला नहीं मांगा था, मैंने तो बस इंसाफ मांगा था। वो इंसाफ के आज मैं खड़ी हूं और मुनीजे खड़े होके देखती उसकी मौत उसकी निजात बन गई, मेरी जिंदगी मेरी सजा।